हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ काइन मास्टर एप्लीकेशन एनिमेशन की के बारे में। जैसे कि गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है और इस एप्लीकेशन में मैं एनिमेशन की के माध्यम से जो एरो होते हैं, बहुत जो भी आप इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, और जैसे कि टेस्ट हो गया, इन सबको आप कैसे एनिमेट कर सकते हैं। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप समझ जाएंगे किस तरह से एनिमेशन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर टेस्ट एक साइड में लिखा रहता है और फ्लाइड होके निकल दूसरी साइड चला जाता है, ठीक है। और चलिए वही सब मैं आपको समझाता हूँ एनिमेशन की होता है। सबसे पहले गाइस, यहाँ पर हम टेस्ट में लिख कर दिखाते हैं उसे किस तरह से एनिमेट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले गाइस, हम टेस्ट में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम लेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टेस्ट में जाएंगे और गाइस पे, जैसे कि यहाँ पर हमने हेलो लिख लिया, ठीक है। चलिए, हमने हेलो लिख लिया, ओके, और हेलो लिख लिया है। अब इसको हमें पूरे स्क्रीन में एनिमेट करवाना है, ठीक है। और तो गाइस चलिए वो बताते हैं, जैसे कि यहाँ से ये है, ऐसे ऐसे घूमता रहे पूरे स्क्रीन में, ठीक है। अगर हम मुझे ऐसे करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। उसके लिए सर गाइस, यहाँ पर आप सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जैसे कि हमने टेस्ट लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया है और ये लेयर है गाइस, यहाँ टेस्ट की ये लेयर है, इस पर आपको टैप करना है पहले। जब तक आप टैप नहीं करेंगे, यहाँ पर एनिमेशन की नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एनिमेशन की, ठीक है। और गाइस, उसके बाद यहाँ पर आप टैप कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको एनिमेशन की नज़र आएगा। तो आप एनिमेशन की पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से, उसके बाद गाइस क्या करना है, इसको थोड़ा जैसे खिसकाना है सामने की तरफ, ठीक है, जितने टाइम में आप चाहते हो कि यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ठीक है। या उसके बाद यहाँ से इसको खिसका लेना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ पर आ जाए, उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर जब आ जाए तो एक यहाँ पर एक डॉट लग जाएगा नीचे में, टेस्ट पर देखेंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आप ध्यान देंगे यहाँ पर एक डॉट लग जाएगा। और उसके बाद गाइस क्या करना है, अब नीचे के और नीचे करना है, तभी आपको पहले यहाँ पर ध्यान देना, पहले आपको यहाँ पर ये नीचे वाले ड्यूरेशन खिसका लेनी है, ठीक है। जो सेकंड पीरियड जो है, ये आपका जो दिख रहा है नीचे, इसको आगे पीछे कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कर लेंगे, उसके बाद जैसे कि अब हेलो हमको नीचे की तरफ लाना है, ठीक है। आप इसको हम यहाँ पर ला के फिंगर के माध्यम से आराम से यहाँ पर ट्रैक कर देंगे। उसके बाद जैसे कि अब लास्ट में एकदम इस किनारे में जाना है, लेफ्ट की तरफ करना है, तो यहाँ सामने पर इसको खिसकाएंगे उसकी तरफ, उसका यहाँ लेफ्ट में कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए हम आपको अप्ले करके दिखा देते हैं, ठीक है। और चलिए यहाँ पर हम यहाँ से वीडियो प्ले कर लेंगे गाइस, यहाँ पर यहाँ से वीडियो प्ले कर लिया है, अब देख सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं एनिमेट हो रहा है, ठीक है। ये तो टेस्ट एनिमेशन, ऐसे आप किसी तरह से इससे कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि इस तरह से इसे हम एनिमेट करते हैं। तो गाइस चलिए यहाँ से हम आपने आपको समझा दिया। उसके सामने गाइस, जैसे कि एरो है, किसी को एरो है, किसी एरो को एनिमेट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने तीर देखा है, तीर में कैसे, उसके लिए लेयर में जाना है, यहाँ पर जाना है। उसके गाइस यहाँ से आपको पहले यहाँ पे अपनी तीर सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मुझे तीर चाहिए तो यहाँ पर तीर सिलेक्ट कर लिया, और कितनी मोटी चाहिए, कितनी पतली चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद गाइस यहाँ हैंड, उसके बाद यहाँ सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको फिंगर फिर से ड्रॉ करना है, फिर जैसे करेंगे ये तीर बन गई। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, मैं बता दूँ, बैक करना है, यहाँ से हटाना है, और उसके बाद यहाँ पर इसी लेयर पे हैंड राइटिंग वाले लेयर पे आपको क्लिक करना है, फिर एनिमेशन की पे जाना है, फिर ऐसे करके सामने करना है, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पर खिसकाना है ऐसे ही फ्रेम ऐसे ही कर दीजिएगा, देख लीजिएगा, और यहाँ पर ऊपर कर दीजिएगा तो ऊपर कर दीजिएगा, जहाँ पर आप कर देंगे वहाँ पर ये एनिमेट हो जाएगा। देखो गाइस, हम दिखा रहे हैं आपको प्ले करके, ये देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप एनिमेशन की का यूज़ करके आप किसी भी टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं, या आप किसी भी इमेज को भी आप कुछ जिस तरह से आप करना, जब आप गाइस प्रैक्टिस करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप आप सब सीखते जाएंगे, आप समझ जाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो गाइस उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। गाइस अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उसके साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।